अस्सलाम वालेकुम, किशवर्स एकेडमी का चैनल है। यहाँ पे हम चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 3 का नाम है मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट्स। ठीक है, हमने एक्सरसाइज नंबर 3.1 शुरू करनी है। उसमें हमें उसने क्वेश्चंस क्या है, पहला क्वेश्चन हमारे पास कि ए इज इक्वल है ब्रैकेट 2, 1, 3 एंड 5 क्लोज ब्रैकेट इज इक्वल टू बी 1, 6, 7, 4। हमें उसने क्वेश्चन नंबर 1 दिया है 4a-3a इज इक्वल टू a, मतलब कि हमने लेफ्ट हैंड साइड बराबर करनी है राइट हैंड साइड के। अब हम लिखेंगे सॉल्व, सॉल्यूशन करते हैं। हम लिखते हैं लेफ्ट हैंड साइड। अब उसने हमें लेफ्ट हैंड साइड में क्या दिया है कि 4a-3a, हमने वो लिखा है, हमने लिखा है 4a की वैल्यू हमने लिखी है जो मैंने आपको ऊपर बताई है, ब्रैकेट 2, 1, 3, 5 माइनस जो हमें इसने दिया है 3, और फिर जो ए की वैल्यू जो मैंने अभी आपको पीछे बताई है 2, 3, 1 एंड 5 क्लोज ब्रैकेट। अब मैं 4 को अंदर वाली वैल्यू के साथ, ब्रैकेट वाली वैल्यू के साथ मैं मल्टीप्लाई करूँगी। 4 2 ज़ार 8, 4 3 ज़ार 12, 4 1 ज़ार 4, 4 5 ज़ार 20 माइनस इसी तरह 3 को अंदर वाली ब्रैकेट के साथ, ब्रैकेट के अंदर जो वैल्यू है हम उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 3 2 ज़ार 6, 3 3 ज़ार 9, 3 1 ज़ार 3, 3 5 ज़ार 15 ब्रैकेट क्लोज। अब हमने इस वैल्यू में से इस वाली वैल्यू को माइनस करना है। अब हमने क्या लिखना है कि ब्रैकेट डाली हमने, 8-6, 12-9, 4-3, 20-15। अब हमने लिखा है कि 8 में से 6 गए तो 2, 12 में से 9 गए 3, 4 में से 3 गए तो 1 एंड 20 में से 15 गए इज इक्वल टू 5। अब ये पूरी वैल्यू 2, 1, 3, 5 किसके इक्वल आ गई, जो ऊपर उसने क्वेश्चन में हमें वैल्यू दी थी कि उसने कहा कि ए के इक्वल करना है, 2, 1, 3 एंड 5 सेम हो गया। अब लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंड्स प्रूव। शुक्रिया, आपको अगर मेरा लेक्चर अच्छा लगा तो इसे लाइक ज़रूर करिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। खुदा हाफिज़।